एक बजे आते हो, उसके बाद आप फिर से काम शुरू करते हो जो आपका डेली का काम बचा हुआ है थोड़ा बहुत, 1 से 3 या 1 से 4 आप काम करते हो, 3 बजे तक काम करते हो, 1 से 3 काम करते हो, जो भी लाइक लिटिल बिट मेंटेनेंस या फिर आपको कोई मशीनरी खुला हो उसको साफ़ करना है, फ्रेश वाटर जनरेटर खुला है भाई साफ़ कर लो, ये सब 1 से 3। उसके बाद फिर से आपका जो टी ब्रेक होता है शाम वाला, आधे घंटे का टी ब्रेक हुआ, उसके बाद आप उठते हो, फिर से 1 घंटा जो बच्चा है उसमें काम करते हो जो भी मेंटेनेंस का है, फिर से वही यूजुअल रूटीन सेम रहेगा, उसमें बस चेंज होता रहेगा कि आप फिल्टर खोल रहे हो या फिर इंसुलेट कर रहे हो एज ए TME, उसके बाद आप या फिर फिल्टर चेंज कर रहे हो प्योरीफायर का या फिर कोई और फिल्टर चेंज कर रहे हो, TME को फिल्टर चेंज कर रहे हो बस बेसिकली, और कोई काम नहीं है TME का ज़्यादा बड़ा जाके। अगर आप अपनी ओर से स्टेप नहीं ले रहे हो तो आपको सिर्फ फिल्टर ही साफ करो, अगर आपको साफ काम करना है तो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। आप सीधा बोलोगे मुंह पे उनके कि मैं नहीं करूँगा फिल्टर साफ तो आपको अगले दिन जहाज से उतार देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना, समझो अब क्यों उधर आपका क्या काम है। आप वो नहीं बोल सकते सेकंड इंजीनियर को कि मैं कोई फिल्टर नहीं साफ करना, बिकॉज उनकी एक अलग थिंकिंग है एंड दैट थिंकिंग इज एब्सोल्यूटली, जब तक आपके हाथ गंदे नहीं होंगे आप काम नहीं सीखोगे। सो जस्ट फॉरगेट कि इट्स लाइक वाइट कॉलर जॉब, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स एक्चुअली नॉट लाइक दैट, सो यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी ऑन योर वर्क। ओके एंड लास्ट में पैकअप करने से पहले आप इंजन का एक प्रॉपर राउंड लेते हो जिसमें आपको पैरामीटर चेक करने, कैस्केड टैंक चेक करना है, उसका लेवल चेक करना है, फ्रेश वाटर टैंक चेक कर लेना है, हाइड्रोफोर चेक कर लेना है, हाइड्रोफोर बहुत आई यू यू कैन प्ले, अभी प्ले में ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें आपको TT का ऑप्शन अवेलेबल है, TT आप खेल सकते हो अगर आपको आता है तो। तो अगर आपको, आप जिमिंग के शौकीन हो, जिम भी थोड़ी बहुत होती है, एक यूनिवर्सल मशीन होती है, बेंच प्रेस होती है, थोड़े बहुत डंबल्स होंगे, आपका शोल्डर के लिए होता है बारबल, आपका बारबल कर्ल एंड थोड़ा अराउंड 20-30 kg वेट भी रहता है उधर। उसके बाद 6-7 टाइम होता है डिनर का, तो आपको डिनर करके यूनिफॉर्म में, ये नहीं कि बॉयलर सूट में चले गए गंदे वाले में, नहीं इमरजेंसी की बात अलग होती है, यूनिफॉर्म में जाना है प्रॉपर यूनिफॉर्म में, उधर डिनर करके फिर आप वापस आते हो, थोड़ा टाइम बिताते हो आपके जो उधर फ्रेंड्स बने होते हैं, अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो घर पर बात कर सकते हो, जो अगर रूम में बैठे रहोगे तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे उधर, ट्रस्ट नहीं, आपका पहला शिप है, just don't sit in the room all the time please। अपनी training record book जिसको tower book बोलते हैं, book को आप भरते हो जितना भी रोज का, like ये नहीं कि एक दिन में 10 पेज भर दिए, ऐसा नहीं, ऐसे learning नहीं होता, proper learning तभी होता है जब आप एक दिन में 2 assignment करते हो, 3 assignment करते हो, चलो maximum 4 assignment कर लिए, अभी ये नहीं assignment कर रहे हो और सब चेपा चेपी लग रहे हो, देख देख के लिख रहे हो, ऐसे ऐसे नहीं, 9 से 10 फिर से एक राउंड होता है, आपको इंजनों में जाना पड़ता है, लॉग बुक लिखनी पड़ती है, उधर जाके लिखनी, इन द सेंस पैरामीटर रिकॉर्ड करके फॉलो योर शिप स्पेसिफिक चेकलिस्ट, बिकॉज अगर आप चेकलिस्ट से जाओगे तो बीइंग अ TME, बीइंग अ इंजन कैरेट, इट विल बी रियली रियली ईजी टू टेक द राउंड ऑफ इंजन। रीड द चेकलिस्ट वंस ट्वाइस थ्राइस लाइक 4 times और 5 times। ओके नाउ यू हैव एन आइडिया कि इंजन कहाँ से उसने बोला है कि यहाँ से रीडिंग लो, कौन सी रीडिंग लेनी है, स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम प्लेटफॉर्म, ओके गो टू द टॉप टू द फनल। आप राउंड लेते हो, लॉग बुक पे लिखते हो आपका जो बचा खुचा काम, 1 घंटे में अगर करना चाहते हो तो कर लो, 10 बजे ब्रिज पे फ़ोन करना है, अनमैन करो एंड देन गो टू योर रूम, उधर जाके अपने रूम में कैबिन में जैसे भी जाके, अगर आपको भूख लगी है तो खा सकते हो कुछ, नहीं तो आप रूम में जाओ आराम से, अपना थोड़ा बहुत 1-2 असाइनमेंट करनी है तो करो, नहीं तो आराम से सो जाओ क्योंकि आपको अगले दिन सुबह 6 बजे उठना है। सो दैट्स इट फॉर द शेड्यूल ऑफ द शिपल कैरियर, बट विल शेयर द शेड्यूल्स ऑफ टैंकर्स एंड कंटेनर्स मे बी इन द वीडियोज फॉलोइंग अप। टिल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट इफ यू डू लाइक माई वीडियोज, थैंक्स, साइन ऑफ।